रिवीजन शुरू करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन जो कि चैप्टर 14 है, इसकी हम टाइमलाइन और एक बार पूरा चैप्टर गो थ्रू करेंगे कि एग्जैक्टली क्विक रिवीजन होगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगी और मैं आपको इस टाइमलाइन में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें इम्पॉर्टेंट हैं, और जब डिस्कशन भी करेंगे तो अगर कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स होंगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, तो वो भी आप फटाफट अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इट वुड बी अ क्विक रिविजन, चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है तो आप वो देख सकते हो, समझ सकते हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम क्विक रिविजन करेंगे इसकी। 1930 उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल ने नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट की बात की थी। देखो 1930 में स्टेट की बात हुई थी, पाकिस्तान की बात नहीं हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि लूज इंडियन फेडरेशन हो, कि सेंटर लूज हो, बट ये नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है जहां पे आज पाकिस्तान है वो वाला एरिया मुस्लिम स्टेट हो, इंडियन मुस्लिम स्टेट हो। ये अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो इतना याद रख लेना कि उर्दू पोएट थे मोहम्मद इकबाल, ठीक है। अब 1933 में ये डेट याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो ये याद रख लेना कि जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान है, ये एक पंजाबी मुस्लिम थे, स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज, चौधरी रहमत अली, उन्होंने दिया था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में पावर मिली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 से 1939, 39 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त कांग्रेस को 7 में से 11 प्रोविंसेस मिले थे। 1940 में ये भी इंपॉर्टेंट है कि लीग ने एक रेजोल्यूशन रखा था एट लाहौर, जब लाहौर सेशन हुआ था तब डिमांड रखी थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में उनकी अपनी ऑटोनॉमी हो, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते हैं वहां मुस्लिम की ही ऑटोनॉमी हो। 1946 में इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप देखोगे कि इस वक्त जब 1935 से 39 में कांग्रेस जीती तो इवन जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे ना वहां पे भी मुस्लिम लीग की जगह कांग्रेस पावर में आई थी, लेकिन इन 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि अब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीती, लेकिन लीग जो मुस्लिम सीट्स थी वहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, जबकि 37 वाले टाइम पे कांग्रेस ने ही, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी वहां पे भी कांग्रेस ही पावर में आई थी। 1946 में मार्च से जून में कैबिनेट सेंड हुई थी, 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट वो बिल्कुल फेल हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 के अगस्त में जिन्हा डिक्लेयर्ड मुस्लिम लीग बेसिकली डिक्लेयर डायरेक्ट एक्शन डे, और इसमें डिमांड क्या थी पाकिस्तान की, बहुत ब्लड शेड हुआ था, लोगों को मारा गया था, एंड मतलब पहले तो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था ब्रिटिश ने या कांग्रेस ने कि ऐसा कुछ होगा, बट ये एक्चुअली हुआ था। 16 अगस्त को वायलेंस हुआ हिंदू सिख और मुस्लिम्स के बीच में कैलकटा में, मतलब हिंदूज और सिख एक तरफ थे और मुस्लिम्स दूसरी तरफ थे कैलकटा में, लास्टिंग सेवरल डेज, मतलब इन्होंने, इनको काफी ब्रूटल वायलेंस था उस वक्त जो हुआ, थाउजेंड्स वर डेड। मार्च 1947 में कांग्रेस ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि पंजाब, ये मार्च याद कर पाओ ठीक है, नहीं तो 1947 ही याद रख लेना कि पंजाब वाला एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक मुस्लिम मेजोरिटी, एक हिंदू सिख मेजोरिटी, और सिमिलरली जो बंगाल वाला एरिया है वहां पे भी ऐसे ही 2 पार्ट्स होंगे, एक जगह पे हिंदू और सिख मेजोरिटी और एक जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी। ब्रिटिश ने अपनी तैयारी कर ली थी, पैक कर लिया था कि अब हम क्विट कर रहे हैं। 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान फॉर्म हुआ, इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की, और महात्मा गांधी उस वक्त जब इंडिया इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था तो वो दिल्ली में ना होके नावखली में थे, जो कि ईस्ट बंगाल वाला एरिया है, वहां पे कम्युनल मतलब क्लैशेज हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था कम्युनिटीज के बीच में, तो उस टाइम पे वो वहां पे शांति का प्रचार कर रहे थे और वो दिल्ली की जगह वो ईस्ट बंगाल के नावखली वाले गाँव में थे। तो ये टाइमलाइन थी आपकी जो आपकी बुक में दी हुई है। कुछ ऐसी डेट्स भी हैं जो इसमें नहीं दी हुई हैं, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से जिसमें मैं वो पूरी टाइमलाइन और नोट्स आपको समझा दूंगी।
अब हम इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अगर कोई आपसे स्किप हो गई है। देखो, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन में हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लोगों की मेमोरीज, जो ओरल टेस्टिमनीज हैं, और एक्सपीरियंसेस, इन सब चीजों की इस चैप्टर में बात की गई है। अब 1947 हमें आजादी मिली थी। आजादी मिलने का मतलब क्या है, हम लोग बहुत खुश थे, पर हकीकत ये थी कि ब्रिटिश इंडिया अब दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, वो था इंडिया और पाकिस्तान, और इस चीज ने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को सफर करने के लिए छोड़ दिया था। 1946 से 1950 के बीच में लोगों के बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए जो कि वायलेंस से भरे हुए थे। अब पार्टीशन के एक्सपीरियंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि कैसे लोगों के बीच में एक वायलेंस था, लोग कितना डर गए थे, और हमें ये सब एक्सपीरियंसेस हम आपको इन सोर्सेज में देखने को मिलते हैं। लोग कैसे ट्रेन के ऊपर ऊपर बैठ बैठ के आ रहे हैं, एंड बहुत सिचुएशंस डिफिकल्ट हो गई थी। फिर एक मोनोटोनस मार्कर, अ पार्टीशन और अ होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट वो टर्म होती है जो जर्मनी में जब हिटलर के टाइम पे नाजीज ने एक खुलेआम लोगों को, लोग इतना वायलेंस हो गया था, लोगों को मारा गया था। तो ये जो हमारे इंडिया में 1947 में हो रहा था, क्या ये पार्टीशन था या ये होलोकॉस्ट था? तो उन्होंने ये बोला कि कहीं कहीं पे तो हमें बोला गया डिस्कशन में कि ये सिमिलर है, क्योंकि लोग काफी वायलेंस हो रहा था, कम्युनिटी क्लैश हो रहा था, तो कैजुअलिटीज थी जो माना जाता है कि लगभग 2 लाख से 5 लाख लोग। और इन्फॉर्मेशन ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो कितनी थी हमें पता भी नहीं। तो शैडो लाइंस थी, लोगों को पता भी नहीं था कि नई स्टेट्स बन गई हैं 2 दिन पहले तक, और आफ्टर फॉर्मल इंडिपेंडेंस उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ रहा था। तो काफी मुश्किल था लोगों के, लोगों को पता भी नहीं था कि अब जहाँ पे वो एक ही लैंड पे रह रहे थे, अब वो नेबर्स होके अब बीच में एक दीवार खिंच गई और अब वो दो कंट्रीज बन चुकी हैं। तो पार्टीशन जो था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था, टेरिटरी का, लैंड का बंटवारा हुआ, एसेट्स का, हमारे पार्लियामेंट की एक एक चीज डिवाइड हुई थी, कुछ चीजें पाकिस्तान भी भेजी गई थी। तो लोग बताते हैं 1947 में मार्शल लॉ जो था, या फिर मारा मारी, रोल्ला, हुल्लर, ये टर्म्स बहुत सुनी जाती थी, किलिंग्स हो रही थी, लोगों को लूटा जा रहा था। तो होलोकॉस्ट जो था वो भी प्राइमरली इस तरीके का ही स्लॉटर था। बट हमने 11th में भी पढ़ा कि होलोकॉस्ट जो था ये स्टेट कर रही थी, पार्टीशन जो था वो होलोकॉस्ट इन जर्मनी इज रिमेम्बर्ड एज कंटेम्पररी, क्योंकि उस वक्त में वो याद की जाती है चीज। बट वो एक्सट्रीमली जो केस था वो नाजी जर्मनी का था, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टेट एजेंसीज थी उनसे रिलेटेड ये चीज नहीं थी, यहाँ पे रिलीजन के बेस पे हो रहा था। पावर ऑफ स्टीरियोटाइप्स, हमने देखा कि इंडिया, इंडियन हेटर्स पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान हेटर्स इंडिया में हैं। इस पूरे पार्टीशन में हमें दिखता है कि कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स, मतलब चीजें, धारणाएं बना ली गई लोगों ने मुस्लिम्स के बारे में, हिंदू ने हिंदू के बारे में मुस्लिम्स ने, जो कि सही है नहीं है हमें नहीं पता, पर हमने उन्हें मान लिया। ये धारणाएं 1947 के डिवीजन से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीपन हो गई जब हमारा डिवीजन हो गया, और एक तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में एक नफरत फैल गई थी। पार्टीशन ने ऐसी मेमोरीज जनरेट की जो एक दूसरे को लेके बहुत अच्छी नहीं थी। दोनों तरफ से हेटर्स, कम्युनिटी को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स थी, क्लैशेस थे लोगों के अंदर, और वायलेंस जो था वो कम्युनल ग्रुप्स के बीच में बढ़ता चला गया। लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेके, अब वो एक देश में नहीं रह रहे थे, अब वो प्रॉब्लमेटिक नोशंस बन चुके थे। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस थे वो उस टाइम की कॉन्फ्लिक्ट और मेमोरीज को हमें आज भी हमारे अंदर वो शायद चीजें रहती हैं। लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1916 में हुआ। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग तो उस वक्त यंग पार्टी थी, एंड कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट किया था। इस पैक्ट में जॉइंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, मॉडरेट्स, रेडिकल्स और मुस्लिम लीग, ये सब इकट्ठे मिलके काम करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश। ये चीज लखनऊ पैक्ट में डिसाइड की गई थी, ऑल्दो वक्त के साथ ये चीज बिल्कुल बदल गई।
लॉन्ग हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडियन और पाकिस्तानी दोनों हिस्टोरियंस को ये लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स के अलग अलग कंट्रीज बना दी जाएं, इसको सिर्फ इसी तौर से यूज किया था कि एक बार्गेन के तौर से कि मतलब मैं बहुत बड़ी चीज मांगूंगा तो मुझे छोटी चीज तो मिल ही जाएगी। पर उन्होंने ये एग्री किया कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करती थी पर फिर भी ये लोग रहते थे साथ में, ऐसा हमें कोई बड़ी चीज नहीं देखने को मिलती कि ये लोग एक दूसरे के साथ ही नहीं रह रहे थे और काफी सालों से रह रहे थे। अब कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल जो ये डिफरेंसेस और क्लैशेस थे ये 1919 में शुरू हुए। एक मिनट मेरे को लैपटॉप चार्ज करना है। तो 1919 और 9 में मुस्लिम्स ये मानते हैं कि अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे अगर इनको ये चीज मिल गई होती तो ये सेपरेट जो सजेस्ट किया जा रहा था और फिर बाद में वो 1919 में बहुत एक्सपैंड हो गया। ये एक नेचर था जो कम्युनल पॉलिटिक्स का। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये था कि अब वो खुद की मनपसंद को इलेक्ट कर सकते थे अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को। कुछ पार्टीशन ये कहते हैं, कुछ पार्टीशन के बारे में स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये तब शुरू हुई सिचुएशन जब ये चीज मान ली गई थी कि 20th सेंचुरी में एक ओपनिंग डिकेड थी जहां पे कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स ये मेंट करते थे कि अब वो मुस्लिम्स खुद के अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे अपनी एक स्पेसिफिक निर्धारित कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो अलग अलग स्लोगन्स शुरू हुए थे और 1920s और 30s में हम ये देखते हैं कि जो ये दो कम्युनिटीज थी इनके बीच में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी और काफी गर्म हवा प्रोटैगनिस्ट ऑफ गर्म हवा अ फिल्म ऑफ पार्टीशन वो बताती है कि 1947 में मिलियंस ऑफ लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह पे गए थे। अब कम्युनलिज्म क्या होता है, जब दो कम्युनिटी जैसे आप एक स्टीरियोटाइप बनाते हो कि आप एक लड़का हो आप एक लड़की हो आप एक यंग पर्सन हो आप सिटी में रहते हो आप विलेज में रहते हो आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आपकी क्या इनकम है, इन सब चीजों से आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। ठीक उस तरीके से आपकी रिलीजन भी एक आइडेंटिटी बनाता है। कम्युनलिज्म वो होता है जब आप एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो जाती है और बिल्कुल फंडामेंटल और फिक्स्ड हो जाती है ना कम्युनल आइडेंटिटी, तब वो कम्युनलिज्म की बात आ जाती है कि मतलब बिल्कुल रिजिड हो जाना अपने रिलीजन और कम्युनिटी को लेके वो कम्युनलिज्म डेवलप करता है। अब प्रोविंशियल इलेक्शन जैसे मैंने टाइमलाइन डिस्कस करते हुए बताया कि 1937 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो इसमें सिर्फ 10 से 12% लोगों ने ही वोट किया तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था पर फिर भी कांग्रेस जीती मेजॉरिटी 5 out of 11 प्रोविंसेस में। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई 7 प्रोविंसेस में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। मुस्लिम रिजर्व्ड एरियाज में इट डिड बैडली बट मुस्लिम लीग तो उनसे भी बुरा परफॉर्म किया उन्होंने। तो सिर्फ 4.4% ऑफ टोटल मुस्लिम वोट्स कास्ट हुए एंड लीग एक भी सीट नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस जो कि बाद में जाके पाकिस्तान बनने वाला था वहां पे नहीं जीत पाई। सिर्फ 84 में से उनको 2 सीट्स मिली पंजाब वाले एरिया में और 3 सीट्स मिली 33 में से सिंध वाले एरिया में। और ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग तो ये 1906 में इनिशियली ढाका के एरिया में थी, बाद में ये पार्टी धीरे धीरे शुरू हुई और ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव बन गई 1940s में। इन्होंने ही पाकिस्तान की डिमांड आगे रखी थी।
अगर हम यूनाइटेड प्रोविंसेस की बात करें तो मुस्लिम लीग एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाना चाहती थी इस एरिया में कांग्रेस के साथ, पर कांग्रेस क्यों बनाती, क्योंकि कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी, तो उन्होंने इस ऑफर को खारिज कर दिया। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वो पॉइंट था जहां से मुस्लिम लीग के मन में ये आ गया कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो गई अंग्रेजों से तब भी हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको ये चीज यहाँ से फील होनी शुरू हुई थी और उन्होंने अपने आप को मुस्लिम्स का सोल स्पोक्स पर्सन डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जिन्हा ने कहा कि वही हैं लीग के जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लीग बहुत वीक थी तो लीग ने अब काम करना शुरू किया, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट में अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करनी शुरू की। धीरे धीरे ये जो गैप था पॉलिटिकल पार्टीज में ये काफी बड़ा, और मतलब मुस्लिम कांग्रेस ने बहुत कोशिश की और कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने वॉर्न भी किया कि हमें सेकुलर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मुस्लिम लीग ड्रिफ्ट हो जाएगी, हमसे दूर हो जाएगी, बट ये चीज हो ना सकी। अभी 1935-37 में हम खड़े हैं और 1947 में आप देखोगे इन 10 सालों में कितना कुछ बदल जाएगा इन सब एरियाज में। तो अभी तक याद रखना कोई डिमांड ऑफ पाकिस्तान नहीं रखी गई है। अब पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन में, 23 मार्च लीग ने डिमांड मूव की थी कि हमें जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां पे हमें ऑटोनॉमी मिले। ये रेजोल्यूशन पार्टीशन नहीं या फिर पाकिस्तान नहीं मेंशन कर रहा था, ये सिर्फ इस बात के लिए मेंशन किया गया था कि जो कुछ एरियाज है वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी दी जाए। बट 1 मार्च 1941 को ही अपोज्ड जो ये यूनियनिस्ट पार्टी और ये सिकंदर हयात खान थे, इन्होंने अपोज किया और उन्होंने कहा कि ऐसा मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि एक जगह पे मुस्लिम राज और दूसरी जगह पे हिंदू राज, इस चीज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। तो मतलब उस वक्त तक लीग के लोगों के अंदर भी ये आइडिया नहीं था ऑफ क्रिएटिंग पाकिस्तान। सडन पार्टीशन 1940 में इस वेग डिमांड को रखा गया था, लेकिन लगभग अगले 7 साल में ही आप देखोगे कि एक नया नेशन बन गया। हु न्यू दैट होमलैंड 1947 के लोगों को अब दूसरी जगह पे मूव करना पड़ेगा। जिन्होंने शायद खुद भी एक बार्गेन का तरीके से देखा था कि उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रेशर आया तो ये नेगोसिएशंस को टाल दिया गया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो आपकी बुक में नहीं दी हुई थी टाइमलाइन में, तो ये आप लिख लेना। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई और ये काइंड ऑफ गांधी जी की भी थर्ड मेजर मूवमेंट थी जो उन्होंने शुरू की, ये हमने चैप्टर 13 में भी डिस्कस किया था। इसका सोल पर्पस ये था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, एंड इसने इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ यहाँ पे इतना विद्रोह हो रहा था तो ब्रिटिशर्स अपनी नीज पे आ गए। नेगोसिएशन शुरू हुई, ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है हम चले जाएंगे, पर आप ये बता दो कि हमारे जाने के बाद आप इस देश को कैसे संभालने वाले हो। तो डिस्कशन शुरू हुई ट्रांसफर के बारे में कि किस तरीके से पावर दी जाए, कैसे हो। जिन्होंने अपनी डिमांड रखनी शुरू की और उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और ऑल दी मुस्लिम मेंबर्स के लिए उन्होंने अलग अलग काइंड्स ऑफ डिमांड्स रखनी शुरू की, और उन्होंने डिसीजन अपोज किया बाय मुस्लिम्स नीडिंग 2/3 मेजोरिटी। इस पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से उनकी जो पहली डिमांड थी वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे वो उस वक्त भी काफी हद तक कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उस वक्त जो लार्जली मुस्लिम्स थी, तो ब्रिटिश की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो यूनियनिस्ट जो कि पंजाब गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं उनको कुछ भी छेड़खानी करे, क्योंकि वो काफी लॉयल थे टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स आल्सो। तो जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए 1946 में, तो जनरल असेंबली में मतलब जो नॉर्मल लोगों ने वोट किया, नॉर्मल में मतलब ये नहीं था कि यूनिवर्सल एडल्ट था, बट कुछ स्पेसिफिक लोगों ने ही वोट किया, उसमें कांग्रेस जीती, बट जो नॉन मुस्लिम वोट थे, लेकिन जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी रिजर्व एरिया था वहां पे मुस्लिम लीग जीती। सारी की सारी 30 की 30 सीट मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल एंड 86.6% ऑफ द मुस्लिम वोट। तो 442-509 में से मुस्लिम लीग ने जीती। तो लीग ने अपने आप को एक मुस्लिम वोट में डोमिनेंट क्रिएट कर दिया और उन्होंने कहा कि हम सोल स्पोक्स पर्सन है इंडियन मुस्लिम्स के, हम उनके हित की बात करते हैं। ऑल दो इस वक्त मैंने कहा ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सबने वोट नहीं किया था, 10 से 12% लोगों ने ही इस पॉपुलेशन में वोट किया था। अब मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो कि 3 लोगों की मिशन थी उसको दिल्ली में भेजा गया और काफी सारी डिस्कशन हुई। उन्होंने 3 महीने तक पूरे एरिया का दौरा भी किया, काफी सारी वीक सेंटर बनाने की उन्होंने बात की,
सेक्शन ए हिंदू मेजॉरिटी एरिया हो, सेक्शन बी और सी नॉर्थ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हो, जो कि नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में हो। इसमें उस टाइम पे असम भी इंक्लूड किया गया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि ब्रिटिश जो कैबिनेट सेंड किया था, ब्रिटिश ने कैबिनेट मिशन, उन्होंने क्या अपने सजेशंस दिए थे, तो वो ये सजेशंस थे। उन्होंने कहा था कि तीन सेक्शंस बना दो, ए बी और सी। ए मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी, बी और सी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जिसमें असम उन्होंने इंक्लूड किया था, वो एरियाज आप मुस्लिम मेजोरिटी के बना दो। तो जो मेजर पार्टीज थी उन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट किया, पर धीरे धीरे बिल्कुल ही लीग वांटेड कि ये जो सेक्शन बी और सी हैं इन्हें कंपलसरी ही कर दिया जाए, पर कांग्रेस नहीं चाहती थी इन्हें कंपलसरी करना। तो इस कारण से दोनों के बीच में जो पहले एग्रीमेंट हुआ वो बाद में ब्रेक हो गया, और एंड में कोई चारा नहीं रहा बट पार्टीशन एग्री करना पड़ा। सिर्फ महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के थे, उन्होंने ही एंड में सिर्फ पार्टीशन के आइडिया को अपोज किया था, बाकी किसी ने भी उनके आइडिया को अपोज नहीं किया था। कैबिनेट मिशन का प्रपोजल कुछ इस तरीके का था कि जो सेक्शन बी और सेक्शन सी हैं ये मुस्लिम मेजोरिटी हो, हिंदू मेजोरिटी आप रेड में देख रहे हो, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो इन प्रपोजल्स को स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया, वो वाले जो ब्लू वाले एरियाज हैं ये किसी के भी साथ ना हो। तो ऐसे करके ये डिसाइड किया गया था। बड़े से हम कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमारे देश को पूरा कनेक्ट किया, तो ये वही प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनको उन्होंने हमारे इंडिया में कनेक्ट करने का काम किया, एंड खास करके ये जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, और ये पूरा एरिया हमारे कंट्रोल में आ गया और फिर ये इंडिया बना। बट ये काफी आगे की बात है। बट पहले आप ये कह सकते हो कैबिनेट मिशन के जो सजेशंस थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, विदड्रॉ कर लिया गया कैबिनेट मिशन प्लान से सपोर्ट मुस्लिम लीग ने, और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर हुआ था, और उन्होंने इस दिन पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डेड, कितने लोगों की किलिंग्स हुई थी, और वायलेंस नॉर्थ इंडिया के काफी हिस्सों तक स्प्रेड हो गया था। कांग्रेस ने फाइनली मार्च 1947 में वोट किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, पंजाब के दो हिस्से होंगे, एक जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी, एक जगह पे हिंदू सिख मेजॉरिटी। ठीक उसी तरीके से बंगाल के भी दो हिस्से होंगे, एक जगह पे हिंदू सिख मेजॉरिटी और दूसरी जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी। बट जो बंगाल के सेक्शंस थे उन्होंने इस डिविजन को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो जहां रहते थे उन्होंने वहीं रहने को एक्सेप्ट किया। अब ये ब्लड बाथ शुरू हुआ 1947 में, जब ये डिवीजन हुआ, लोग एक जगह से मूव कर रहे थे दूसरी जगह पे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बड़े बड़े जो ऑफिशियल लीडर्स थे ब्रिटिश ने उन्हें बोला महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जिन्हा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इन चीजों को कैसे संभाला जाए। गांधी जी ने बोला कि वायलेंस मत करो, उन्होंने काफी कोशिश की बट चीजें संभल नहीं रही थी। ब्रिटिशर्स को भी इतना कुछ कंट्रोल करने का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो तो बस छोड़ के जाना चाहते थे, वो अपनी पैकिंग कर रहे थे। जो पुलिस थी वो ऑल्दो वो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को निभा रहे थे, लेकिन सोल्जर्स और पुलिसमैन, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो कम्युनल फीलिंग थी वो डेवलप थी उनके अंदर। इतना टर्मोइल, वायलेंस चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया था। गांधी जी ने डिसाइड किया कि जो उनका लाइफ लॉन्ग प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस, वो उनको फिर से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नावखली, जो कि ईस्ट बंगाल वाले एरिया में है, आज की डेट में वो बांग्लादेश के एरिया में है, वहां पे सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन हो रही थी। तो गांधी जी ने, जब पूरी इंडिया में सेलिब्रेशन हो रहे थे 1947 हमारी आजादी के, तो वो वहां पे उस वक्त चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर वो दिल्ली आए, और जहां पे भी ये वायलेंस हो रहा था बिटवीन कम्युनिटीज, उन्होंने एक दूसरे से म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास बढ़ाने की कोशिश की, और उन्होंने बोला कि आप दोनों कम्युनिटीज को कॉन्फिडेंस में लो, चीजों को सही करने की कोशिश की। जैसे कुछ मुस्लिम्स दिल्ली के कहते हैं कि जब गांधी जी आए तो ऐसे लगा कि एक बहुत लंबी गर्मियों के बाद फाइनली एक बरसात आ गई थी। 29 नवंबर 1947 को जब गुरु नानक जी का बर्थडे होता है, गुरु पूरब था, तब गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में गए, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो चांदनी चौक की शान है, जो कि दिल्ली की, वहां पे कोई मुस्लिम नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा कि आपको दोनों कम्युनिटीज के बीच में नॉन वायलेंस रहे, पीसफुल रहो, तो उन्होंने उस चीज को स्प्रेड करने की कोशिश की। रिकवरिंग, जब जेंडर पार्टीशन, हम पार्टीशन की बात करते हैं तो हम बहुत सी चीजों को देखते हैं, बट सबसे ज्यादा सफर वुमेन ने किया था दोनों ही तरफ बॉर्डर के।
तो वुमेन वर रेप्ड, एबडक्टेड, सोल्ड, काफ़ी बुरी कंडीशंस थी उनकी और इनसेंसिटिव कॉम्प्लेक्सिटीज थी। लगभग 30,000 वुमेन रिकवर की गई ओवरऑल, 22,000 मुस्लिम वुमेन इंडिया में और 8,000 हिंदू और सिख वुमेन पाकिस्तान में। ये 1854 तक गवर्नमेंट ने इस मिशन को चलाया था कि जो भी वुमेन दूसरी साइड पर रह गई हैं वो उनको वापस भेजने का जिम्मा लिया था। बट कितनी वुमेन ऐसी थी जो नहीं जा पाई, जो नहीं पहुंची, उन सब की रिगार्ड में भी नहीं हमें ऑफिशियल डेटा पता चलता। अब प्रिजर्विंग ऑनर, लोग अपना लैंड और अपनी जमीन और वुमेन, इन दोनों को अपनी ओनरशिप मानते हैं मेन। तो वुमेन को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मेन के अंदर डर होता था कि उनकी वुमेन यानी उनकी वाइफ, उनकी बेटी या उनकी सिस्टर कोई भी अगर एनिमी के हाथ लग गई तो बहुत गलत होगा, इसीलिए वो उन्हें खुद ही मार देते थे। कितने सारे इंसिडेंसेस में ऐसा दिखाया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर से थवा खालसा, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह थी, वहां पे सिख विलेज में 90 वुमेन ने लगभग खुद ही वॉलेंटरली एक कुएं में जंप कर दिया ताकि वो किसी एनिमी के हाथ ना आए। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस हमें पता चले बाद में, जब लोग गुरुद्वारे में आए, दिल्ली के सीसगंज गुरुद्वारा या फिर अलग अलग जगहों पे जहाँ पे लोगों से जाना गया, तब उन्हें पता चला कि कैसे वुमेन ने खुद ही अपनी लाइफ ले ली, या उनके लव्ड वन, उनके फादर, उनकी उनके हस्बैंड या उनके ब्रदर ने ही उन्हें खुद मार दिया ताकि वो एनिमी के हाथ ना लगे। तो उन मेन ने अपनी स्टोरी बताई कैसे उन्होंने खुद ही अपनी वुमेन को मार दिया था। रीजनल वेरिएशंस थे कई कई जगह पे, जहाँ पे स्पेशली पंजाब, कैलकटा, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था इस पार्टीशन का, ब्लड शेड हो रहा था। बट कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे इतना ज्यादा हैवी इम्पैक्ट नहीं था पार्टीशन का। बांग्लादेश में भी माइग्रेशन हो रहा था, जो आप मुस्लिम फैमिलीज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे थे। उर्दू स्पीकिंग पीपल और पाकिस्तान के कराची की तरफ मूव कर रहे थे, हैदराबाद से सिंध की तरफ जा रहे थे। बंगाली जो डिवीजन था उन्होंने इसको लेस कॉन्सेंट्रेट किया, वो नहीं डिवाइड हुए। उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुस्लिम यहीं रहेंगे, ये हमारा लैंड है, और वहाँ के हिंदूज वहीं रह गए कि ये हमारा लैंड है। उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, जिन्होंने पाकिस्तान भी ये जो फीलिंग थी बंगाल के एरिया में कि हम इस टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते, वही इमर्ज हुई और 1971 से 72 के बीच में वॉर हुआ और बांग्लादेश पाकिस्तान का, पाकिस्तान का एक हिस्सा डिवाइड हुआ और बांग्लादेश बन गया। वुमेन की बॉडी को भी कॉन्कर की तरह माना जाता था, डिसऑनरिंग वुमेन ऑफ कम्युनिटी देखा जाता था कि वो उनकी पूरी कम्युनिटी को ही डिसऑनर करने के लिए वुमेन को टारगेट किया जाता था। तो वुमेन सबसे ज्यादा सफर कर रही थी, सिचुएशन बहुत खराब थी। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी देखने को मिलती है जहाँ पे लोग बहुत अच्छे थे, लोगों ने हर कम्युनिटी की हेल्प की। जैसे कि एक सिख डॉक्टर खुशदेव सिंह, जिन्होंने ना ही सिर्फ वहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट किया बट उन लोगों को शरण दी, और मतलब लोग कहते थे कि उन्हें पूरे कहीं पे भी सेफ नहीं फील होता, बस उनके पास ही सेफ फील होता है। तो उन्होंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ऐसे लोग भी देखने को हमें मिले जिन्होंने हेल्पिंग हैंड दिया, जिन्होंने अपनी जो कि मैं इंसान हूँ और मेरा फर्ज है दूसरे इंसान की हेल्प करना, उसको उन्होंने बरकरार रखा। ओरल टेस्टिमनीज, जो लोगों की मेमोरीज हैं, डायरीज हैं, उनकी यादें हैं, उनके थ्रू हमें चीजें पता चलती हैं। ये एक पॉलिटिकल डिवीजन था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन था जो पॉलिटिक्स में लिया गया, लेकिन आम लोग जो सफर कर रहे थे उनके लिए ये बहुत बड़ा फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल ट्रॉमा था जो वो फेस कर रहे थे। हमें काफी चीजें ऐसी इन ओरल टेस्टिमनी से पता चलती हैं जो आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से नहीं पता लगा सकते। लेकिन और हमें पुअर, पावरलेस लोग जिनके बारे में कोई नहीं लिखता, उनके बारे में भी हमें इन इन जगहों से पता चलता है कैसे लोग एक छोटी छोटी चीजों के लिए सफर कर रहे थे। लेकिन इनकी डिसएडवांटेजेस भी ये हैं कि जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगे, जैसे ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरे एक ऑर्डर में लिखी गई चीजें हैं। बट अगर आप एक ओरल टेस्टिमनी लोग अपने बता रहे हैं तो वो कंक्रीट नहीं होती, वो क्रोनोलॉजिकल नहीं होती। लोगों को कोई बात याद आई पुरानी, फिर वो पुरानी बात करेंगे, फिर वो नई बात करना शुरू कर देंगे, तो कोई ऑर्डर नहीं होता। एंड
ओरल टेस्टिमनी को रिटन के साथ और अलग अलग सोर्सेस के साथ चेक किया जाता है, तब माना जाता है कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा, क्योंकि आप कंप्लीटली इन पर रिलाई नहीं कर सकते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखी जाती है कि जो वुमेन जो इंडिया या पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह गई, उन्होंने बहुत सी चीज़ें सफ़र की, पर क्या वो ओपनली लोगों को बता पाएंगी कि उन्होंने क्या सफ़र किया या उनकी फैमिली बता पाएगी, ये बहुत मुश्किल है। ओरल डेटा में इंटरव्यूज करने के लिए लोगों को बहुत सिंपथी और एम्पथी के साथ समझाना पड़ता है, उनको विश्वास देना पड़ता है कि आप एक सिक्योर जगह पे हो और आपकी बात बिल्कुल अहम जो आप बता रहे हो ये बहुत ज़रूरी है बताना, उनको बहुत विश्वास देना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है वक्त के साथ, क्योंकि 10, 20, 30 साल बीत जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो होती हैं वो उनके जहन से भूल जाती हैं, उन्हें याद नहीं रहती हैं। एंड कभी कभी हम एक्चुअल जो हकीकत में उस वक्त हुआ था वो लोग भूल जाते हैं और हम अपनी ही एक याद बना लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हुआ था। तो उन चीज़ों को वक्त के साथ हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो हकीकत में हुआ था उसको भूल के कंस्ट्रक्टिव मेमोरी बना लेते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को समझ के बहुत एनालाइज करना पड़ता है हिस्टोरियंस को कि एग्जैक्टली में हुआ क्या होगा। माना जा सकता है कि एक बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था, बट हिस्ट्री को एग्जैक्टली कंक्लूड करना, क्योंकि आप एक दो या तीन लोगों का ही इंटरव्यू ले सकते हो, तो उस एक या दो इंसान के विटनेस से आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते उस पूरे एरिया में जनरलाइज वे में कि सबके साथ क्या हुआ होगा। और सबका एक्सपीरियंस अपने आप में अलग होता है, तो उन सबको इकट्ठे मान लेना कि सभी के साथ ऐसा हुआ होगा वो भी बहुत मुश्किल है। तो ये था पूरा चैप्टर, चैप्टर 14 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। इसमें हमने चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल में, और साथ में आपकी जो भी टाइमलाइन और एक बार क्विक रिवीजन भी हो चुकी है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड अब हम इसके बाद चैप्टर 15 जो कि बिल्कुल लास्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो आपका जो पूरा हिस्ट्री की 12th की हर पूरे सारी बुक के एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएंगे, तो अब इसके बाद मुझे कौन सी वीडियोज बनानी चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा कि अब हिस्ट्री खत्म हो गया तो इसके बाद क्या मुझे इसी में ही नोट्स और क्विक रिविजन करवानी चाहिए, या मैं एंट्रेंस की तैयारी करवाऊँ आपको, या फिर किसी और सब्जेक्ट की। तो आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।